मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए मठ मंदिर सलाहकार समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष स्वामी सुबोधानंद महाराज ने मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, अध्यात्म विभाग के मंत्री पीसी शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह मौजूद रहे। वहीं स्वामी सुबोधानंद महाराज ने कहा कि प्रदेश के मठ मंदिर आस्था के केंद्र हैं, यहाँ की व्यवस्था को बेहतर करना और प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए प्रयास करेंगे। इस दौरान प्रदेश के अध्यात्म विभाग के मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को लेकर सरकार काम कर रही है। सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर मध्य प्रदेश शासन ने आज हमको नियुक्त किया है। हमारी तरफ से सेवाएं होंगी, हम पूरे तन मन से इस कार्य को हम करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी मंदिर हैं जहां पूजन नहीं हो रही है, बहुत सारी जमीनें हैं जो मंदिरों में लगी हैं, लोगों ने हड़प ली हैं, उस सब के लिए हम प्रयास करेंगे कि उसकी पूजन व्यवस्था सुचारू रूप से चले और वहाँ से एक आध्यात्म का संदेश जाए। मंदिरों का संरक्षण, उनका विकास, इन सब पे परामर्श समिति, उसमें 11 सदस्य होंगे जो कि सुबह जी की सलाह से उन सबकी नियुक्ति होगी। आपका एक सचिव रहेंगे और लोग होंगे और ये पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी मठ मंदिर हैं इन सब का संरक्षण, उनमें निर्माण, इन सब चीज़ों के बारे में क्या किया जाना चाहिए, सलाह समिति के लिए।